गलत ऑपरेशन ने बर्बाद कर दी दो जिंदगियां। गलत इलाज के कारण पति पत्नी की सेक्सुअल लाइफ का हो गया अंत। हॉस्पिटल पर लगा अनट्रेन्ड कर्मचारियों से ऑपरेशन करवाने का आरोप। शिकायत के बाद सीएमओ गोंडा को मिली जांच। गोंडा के रहने वाले विष्णु यादव ने जय नारायण चौराहे के पास स्थित किरण हॉस्पिटल के संचालक पर बहुत ही गंभीर आरोप लगाए हैं। अपने आरोपों की लिखित शिकायत उन्होंने गोंडा डीएम से की है। जिलाधिकारी द्वारा मामले को संज्ञान में लेते हुए जांच सीएमओ गोंडा को सौंपी गई है। विष्णु यादव ने कहा कि उन्हें पथरी और हार्निया की प्रॉब्लम थी, इसके इलाज के लिए वो किरण हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर मनोज सिन्हा के पास पहुंचे। डॉक्टर मनोज सिन्हा ने विष्णु यादव को ऑपरेशन की सलाह दी। अपने इलाज के लिए विष्णु यादव ऑपरेशन के लिए मान गए। तय तारीख पर मरीज का ऑपरेशन किरण हॉस्पिटल में किया गया। विष्णु यादव का आरोप है कि ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर मनोज सिन्हा खुद मौजूद नहीं थे, बल्कि उनके दो अनट्रेन कर्मचारी मनोज कुमार वर्मा और अरविंद कुमार ने उनका ऑपरेशन किया, जिसके कारण ऑपरेशन के बाद से ही उनके पेट में काफी दर्द रहने लगा। कई बार इस सिलसिले में डॉक्टर मनोज सिन्हा से मिले, लेकिन कोई भी फायदा नहीं हुआ। दर्द से छुटकारा पाने के लिए वो लखनऊ मेडिकल कॉलेज गए, जहां पर इलाज के दौरान डॉक्टर ने बताया कि पथरी और हार्निया के ऑपरेशन के दौरान नसें कट गई हैं और अब वो नॉर्मल सेक्स लाइफ नहीं जी सकते हैं। विष्णु यादव ने बताया कि इस बात को लेकर डॉक्टर मनोज सिन्हा से मिले तो वो और उनके कर्मचारी उनके साथ अभद्रता पर उतर आए। इसके बाद इसकी शिकायत जिला अधिकारी से की गई। जिला अधिकारी द्वारा मामले को संज्ञान में लेते हुए इस पूरे प्रकरण की जांच गोंडा सीएमओ को सौंप दी गई है। भाई विष्णु यादव का कहना है कि अस्पताल के द्वारा किए गए गलत ऑपरेशन की वजह से उनके वैवाहिक जीवन पर असर पड़ा है और उनकी अब सेक्सुअल लाइफ खराब हो चुकी है। वो चाहते हैं कि इस तरह की हरकत किसी और के साथ ना हो, इसलिए वो इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। इसके लिए उन्होंने हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर के कई वीडियो जुटाए हैं, जिसमें अनट्रेन्ड और बिना डिग्री धारक स्वास्थ्य कर्मचारी ऑपरेशन कर रहे हैं। हमें समस्या हो रही थी गाल ब्लैडर में, हमारे पथरी था और हमें हार्निया था, तो हम डॉक्टर मनोज सिन्हा को दिखाए। उन्होंने ऑपरेशन के लिए हमें सजेशन किया कि ऑपरेशन होगा तभी ठीक हो सकता है। फिर हमने व्यवस्था बना के अपना जो है ऑपरेशन करवाने के लिए उनके यहाँ गए। ऑपरेशन हमारा जो है गलत तरीके से उनके यहाँ कर दिया गया, क्योंकि उनके यहाँ जो ऑपरेशन किए वो नॉन डिग्री होल्डर थे वहाँ, जिनका नाम जो है मनोज शर्मा और अरविंद विश्वकर्मा है, उन्होंने ऑपरेशन किया, ना कि हमारा डॉक्टर मनोज सिन्हा ने किया। और उसके बाद ऑपरेशन होने के बाद जो है हमें एक दो महीने के बाद से काफ़ी समस्याएं आ रही हैं, जो कि हमारे यहाँ हमेशा पेन बना रहता है। यहाँ जो है गॉलब्लैडर ऑपरेशन हुआ था वहाँ पे पस आ रहा है। उसके बाद जो हमने कई बार दिखाने की कोशिश की, उनको दिखाया, अभी OPD कराया, जाँच भी हमारा हुआ। जांच जो है करवाने के बाद हमने रिपोर्ट दिया उनको, फिर उसके बाद जो है हमारे साथ दवा हमको लिख दिए, हमेशा दर्द की दवा खाने के लिए सजेशन दिए कि हमेशा दर्द की दवा खाइए। और फिर हमें जो समस्या बढ़ती रही तो हम जाके मेडिकल कॉलेज दिखाए। मेडिकल कॉलेज दिखाने के बाद वहाँ डॉक्टर ने बोला कि आप अपने सर्जन से ही मिलिए, जो आप जहाँ आपका ऑपरेशन हुआ है। फिर हम पुनः वापस होने के बाद फिर हमने उनको दिखाया। ऑपरेशन होने के बाद, समय बीतने के बाद जो है मैं बहुत समस्याएं दिन पे दिन बढ़ती रही। कैसी समस्या बढ़ती? समस्याएं ये बढ़ती रही कि हमारे पूरे बॉडी, कभी कभी मेरी पूरी बॉडी जो है सुन्न हो जाती है, और हमारे जो है सेक्सुअल रिलेशन में भी दिक्कत आ रही है। हमारी वाइफ भी इस चीज़ से बहुत नाराज़ रहती हैं, क्या ही बता सकते हैं आपसे इस चीज़ के लिए। लेकिन जो है हमने कंप्लेन डॉक्टर साहब से करने की कोशिश की, लेकिन वो हमारा कंप्लेन नहीं नोट किए। और उसके बाद जो है दूसरी बीमारी हमको बताते रहे कि तुम्हें ये समस्या हो रही है, ऐसा समस्या हो रही है। हालांकि हमें वो समस्या कुछ नहीं हो रही है, जो कि हमें ऑपरेशन के बाद से ही जो समस्याएं आई हैं उसी चीज़ का मैं इलाज कराना चाह रहा था उनसे, कि जो है कि हमारे ये समस्या दूर हो। फिर उसके बाद होना क्या, इधर काफ़ी परेशानी हुई। फिर हमको पता चला कि ऑपरेशन जो है गलत तरीके से कर दिया गया है, हमें सूचना मिली कहीं से। उसके बाद में हमने उसके विरुद्ध जो है
एविडेंस प्रूफ जो है व्यवस्था किया कहीं से, फोटो वीडियो हमारे फोटो वीडियो जो है हमने डीएम मैम को उपलब्ध करवाया। उसके बाद में मैम ने जो है एप्लीकेशन देने के बाद कंप्लेन करने के बाद उन्होंने सेमो को जो है ट्रांसफ़र किया। सेमो जो है अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है इसमें।